प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विभिन्न चरणों के तहत 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का माध्यम बनेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया और छात्रों को स्कूल बैग का वितरण किया। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बनेंगे, जिसमें बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का संसाधनों पर अधिकार होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बंटवारे की राजनीति करने वालों पर हमला करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, माफियागिरी करना चाहते हैं, उनको हिलाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताया। इस दौरान न सिर्फ सीएम योगी ने प्रतिभाशाली छात्रों के द्वारा बनाए गए इनोवेटिव मॉडल्स को देखा और उसकी सराहना की, बल्कि क्लासरूम जाकर बच्चों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने शिक्षक बनकर छात्रों को सफलता के मंत्र भी बताए, जबकि छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जाति धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्रतिभा है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। सरकार के संसाधन पर हर किसी का बराबर का अधिकार है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। तो भारत एट सेवन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।